आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। छपरा बीसीओ सहित तमाम अधिकारी वर्ग को फोन पर सूचना दी गई, पैक्स अध्यक्ष धान खरीदने से मना कर रही हैं, जिसको लेकर पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा ने पत्रकारों से कहा तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई, लेकिन इसका कोई हल अब तक नहीं निकला, जिसके चलते तमाम किसान परेशान हैं। पैक्स अध्यक्ष के घर पर विगत 3-4 रोज से ट्रैक्टरों पर धान लादकर पैक्स के घर पर लाया गया, जो कि पैक्स अध्यक्ष लेने से मना कर दिया। सभी किसान पैक्स अध्यक्ष के इस रवैये से काफी चिंतित है। वहीं सरकार का कहना है धान पैक्स अध्यक्ष खरीदारी करेंगे, मगर यहां पैक्स अध्यक्ष मनमानी पर तुले हुए हैं। विगत कई महीनों से दिल्ली में किसान परेशान हैं। वहीं पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा ने कहा पैक्स अध्यक्ष के चलते घोरहट गांव में किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। हाँ सर, देखिए सर, स्पीकर खोलिए सर, स्पीकर खोल के देखिए सर। अरे भैया, तो आपको बोलना चाहिए ना कि हम द्वार पे नहीं बनाएंगे, कृषि केंद्र केंद्र नहीं बनाएंगे, हम दूसरे जगह बनाएंगे। हाँ सर, सुनिए सर, ये भी रिकॉर्डिंग सर। हाँ सर, सर सुनिए सर, अभी तो आप गाली गलौज कर रहे थे। सर सुनिए सर, इनके क्या घर पर लोग बोल रहे हैं सर। हाँ सुनिए सर, सुनिए सर, आप रिकॉर्डिंग सुनिए सुनिए सर, देखिए सर क्या हाथ में लिए हुए सर, देखिए झूठ बोलते पैसा मांगे बड़ा पैसा वाला भाई भाई का। सुनिए सर, सुनिए रिकॉर्डिंग सुनिए ना सर, आप देख रहे सर, जबरदस्ती सर, जबरदस्ती किसान के साथ सर, देख लिए किसान के साथ सर, देखिए सर किसान के साथ क्या हो रहा है सर, देखिए आप। हम कहते हैं दो हजार हमारे सामने सत्ता सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं ना सर, देखिए सर जबरदस्ती से कैसे किसानों के साथ किया जा रहा है सर, देखिए। हमारा थलेश्वर मिश्रा नाम है। क्या परेशानी है बताइए। परेशानी है, मुखिया पति है, गांव का पंचायत का जिम्मेवारी है, लेकिन धान की राष्ट्रीय काया है, मैंने राजसभा हमको सूचना मिला, हमारे है तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास जगह नहीं, हम नहीं लेंगे, जबकि ऑलरेडी जगह है, उसके पहले भी बाद में भी माल लिया उठा रहे हैं, किसान भी हैं हम। कितना दिन से गाड़ी खड़ी है। गाड़ी तो 9 तारीख से खड़ी है। कितना माल है आपको। 75 है। आपके क्या नाम हुआ। मेरा नाम हुआ मंजीत कुमार सिंह। हाँ बताइए। हम किसान घोरहट पंचायत के। समस्या है कि हम लोग जब धान लेकर गए वहाँ पे, बीसीओ साहब बोले कि आप धान लेकर जाइए, तो उनके पैक्स अध्यक्ष द्वारा हम घर के उनके सदस्य लोग हम लोग ईटा पता चलाने लगे, गाली गलौज देने लगे, उसका हमारे पास वीडियो भी है, फोटो भी है, हम सब डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, डीसीओ साहब को भी भेजे हुए हैं फोटो, पूरा जिले अधिकारी को भेजे हुए हैं, लेकिन हम लोग कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अब तक। हम मुखिया जी को भी अपने पंचायत के ग्राम पंचायत मुखिया जी को भी सूचना दिए थे, उसका भी हम 6 प्रति हमारे पास है। हम दिए हैं अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए हुए हैं, उसका भी हमारे पास 6 प्रति है। हम एसडीओ साहब को भी दिए हुए हैं, उसका भी 6 प्रति है। डीसीओ साहब को भी दिए हैं, उसका भी 6 प्रति हमारे पास है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारा धान किसान लोगों का 3-4 दिनों से हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, पैक्स अध्यक्ष द्वारा मनमानी किया जा रहा है, बीसीओ से टालमटोल है इन लोगों का, किसान का कोई समाधान नहीं हो रहा है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो मनमानी कर रहे हैं, किसानों से 14-12 रुपये धान खरीद रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, दरवाजे बजाता है किसान धान लेके, तो गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, उसका वीडियो हमारे पास है। इस संदर्भ में आपने कहीं थाना प्रभारी को सूचना दी है। जी, हम लोग थाना प्रभारी जाके मौके मिले हैं, उसको सूचना भी दिए हुए हैं। क्या बोले थाना प्रभारी। थाना प्रभारी बोले कि आप लोग जाइए, आप लोग रोड जाम कीजिए, अगर कुछ होगा तो हमारा जिम्मेवारी कुछ नहीं है। फिर हम लोग एसडीओ साहब के पास गए, हम लोग डीसीओ साहब के पास भी गए, जिलाधिकारी के पास,
करके हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। किसान ऐसे ही रोड पे घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। विगत कई दिनों से हमारे यहाँ के किसान दूरभाष पर हमको सूचना देते रहते कि हमारा धान पैक्स अध्यक्ष नहीं खरीद रहे हैं। आज संयोग से मैं गांव पर आया था और यहाँ देखा कि 3-4 ट्रैक्टर छोटे छोटे किसानों का धान लाद कर पैक्स अध्यक्ष के दरवाजे पर खड़ा है। इस संबंध में हमने DCO छपरा, BCO मांझी, इन तमाम लोगों से दूरभाष से बातें की। तमाम लोगों ने आश्वस्त किए कि नहीं, धान किसान का खरीदा जाएगा। और बाद में वो लोग कह रहे हैं कि आप मिल पर ले जाइए, मिल पर भिजवा दीजिए। छोटे छोटे किसान हैं, किसी का 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, 10 क्विंटल धान है। ये किसान कहाँ धान लेकर मुड़ी पर मिल में दौड़ते फिरेंगे। और सारे के बावजूद पैक्स के से BCO मिलकर और जाली दलालों से धान खरीद रहे हैं, और असली किसान हैं उन तमाम किसानों से कोई धान नहीं खरीद रहा है। और यहाँ किसान कल छपरा DM के यहाँ, स्त्रियों के यहाँ थाना पर, तमाम जगहों पर आवेदन दे चुके हैं कि हम लोग धरना पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। हालांकि आज लोगों को हमने मना किया कि आज जो प्रशासन को समय दिया जाए। मैं आप लोगों के माध्यम से भी प्रशासन को यह सूचना देना चाहता हूँ कि आप इसमें हस्तक्षेप करके यहाँ किसानों का धान खरीदने का काम करें, वरना निश्चित रूप से यह आंदोलन का रूप लेगा और इसका व्यापक असर पड़ेगा, और इसकी सारी जवाबदेही पैक्स अध्यक्ष की और प्रशासन की होगी। कौन सा पंचायत हुआ? ये घोरहट पंचायत है, घोरहट पंचायत मांझी प्रखंड का घोरहट पंचायत है। और यहाँ का जो पैक्स है वो चारों तरफ से दलालों से धान खरीद रहा है। क्या नाम है उनका? राजीव कुमार पैक्स अध्यक्ष हैं, और पूरी तरह मनमानी कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। दरवाजे पर जाने पर उनके परिवार के लोग ईटा पत्थर लेकर गृहस्थ पर पड़ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसका वीडियो करके भी गांव के लोग रखे हैं। मैं पुनः प्रशासन से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप किया जाए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।